How many gods are there? One. In your belief? Uno. And it's just, and it's Jesus Christ? Jesus Christ, we believe, is the Son of God. What's your name? I'm Bryce. It's known as Sanatan Dharma. Okay. Which in Sanskrit means eternal religion. Okay. We say Krishna. In Sanskrit, that's the name for God, and it means the all-attractive one. Mm-hmm. So our heart is also based on a law of attraction, and that supreme absolute truth is also personal. And so we say Krishna, who's that divine supreme person. What do you think happens when we die? The embodied soul continually passes in this body, currently, from boyhood, youth, to old age. The soul similarly passes into another body at death. So reincarnation. Is it just an endless cycle of continual? ये वीडियो है अमेरिका के लॉस एंजेलिस में स्थित वेनिस बीच की, जहां पर एक चाइनीज हिंदू एक क्रिश्चियन प्रचारक की बोलती बंद कर देता है सनातन का परम ज्ञान देकर। बेसिकली इस वीडियो में अचानक से इस क्रिश्चियन प्रचारक का सामना सनातन के वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता इस चाइनीज हिंदू सन्यासी से हो जाता है, जिसने अपनी यंग एज में ही सनातन को अपनाया हुआ होता है। और ये क्रिश्चियन प्रीचर इस चाइनीज हिंदू सन्यासी को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने की नियत से इनसे सनातन के बारे में कठिन प्रश्न करता है और पूछता है कि जीसस क्राइस्ट को आप क्या मानते हैं। तो इस पर ये हिंदू सन्यासी पूरे विश्वास के साथ तुरंत उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट को भगवान के पुत्र मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। और आगे ये कहते हैं कि हिंदू धर्म मुख्य तौर पर सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ अनादि और शाश्वत है, जिसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं है। और हम संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक है, इसलिए हमारा हृदय आकर्षण के नियम पर आधारित है और हम भगवान श्री कृष्ण को ही दिव्य उच्चतम देवता मानते हैं। Known as Sanatan Dharma, okay, which in Sanskrit means eternal religion. Okay. We say Krishna. In Sanskrit, that's the name for God, and it means the all-attractive one. Mm-hmm. So our heart is also based on a law of attraction, and that supreme absolute truth is also personal. And so we say Krishna, who's that divine supreme person. लेकिन दोस्तों, इस चाइनीज हिंदू सन्यासी का सनातन के ब्रह्म ज्ञान का ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर मात्र था। कहानी में मजा तो तब आया जब इसके बाद ये क्रिश्चियन प्रचारक इस चाइनीज हिंदू सन्यासी से ये पूछता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जब हम मरते हैं। यानी कि इनका इस सन्यासी से सीधा सीधा प्रश्न ये था कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो सनातन धर्म में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो इसके बाद पूरे गर्व के साथ इस सन्यासी ने ये तुरंत जवाब दिया और कहने लगे कि इंसान के शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर के भीतर प्रवेश करती रहती है। आत्मा शरीर में बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक समान रहती है। आत्मा की उम्र कभी घटती बढ़ती नहीं है, इसलिए मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए पुनर्जन्म केवल एक अनंत का चक्र है, जो निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। What do you think happens when we die? The embodied soul continually passes in this body, currently, from boyhood, youth, to old age. The soul similarly passes into another body at death. So reincarnation. Is it just an endless cycle of continual going to from body to body? Like after, like let's say you die right now and then you get into a new body and then that body goes and then you die again and you go into a new body. Is it just endless cycle of that? Or like Hindus, I know Hindus, they believe in reincarnation, but they're ultimately trying to achieve moksha. Moksha, liberation. Right, is that what you're trying to achieve as well? Something higher than liberation, which is love for God. So I'm a Christian. Yes. I believe that Jesus Christ is God. Would you believe that Jesus Christ is God? We believe what Jesus Christ taught. So, लेकिन इस चाइनीज हिंदू सन्यासी के इस अलौकिक और ब्रह्म ज्ञान के बाद ये क्रिश्चियन फिर से इनसे कहता है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैं मानता हूँ कि जीसस क्राइस्ट भगवान है। तो क्या आप मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट भगवान है?
तो फिर से ये सन्यासी बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमें ये पूरा विश्वास है कि जीसस क्राइस्ट एक शिक्षक है ना कि भगवान। और इस सन्यासी की इतनी सुनने के बाद इस अमेरिकन क्रिश्चियन के पास ज्यादा कुछ पूछने को नहीं बचा था, इसलिए ये अपने इन कठिन प्रश्नों को लेकर यहाँ पर मौजूद एक और अमेरिकन हिंदू महिला के पास जाता है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया हुआ होता है। तो एक क्रिश्चियन प्रचारक इस हिंदू महिला से पूछता है कि आप कब से सनातन धर्म की शिक्षाओं को फॉलो कर रही हैं। तो इस प्रश्न पर इस अमेरिकन हिंदू महिला ने ये बड़ी सरलता से ये कहा कि जब मैं 10 साल की थी तो मेरी माँ ने सनातन धर्म अपना लिया था, लेकिन मैं एक क्रिश्चियन लड़की पैदा हुई थी और मैंने मेरी 19 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाना शुरू कर दिया था और अब मैं 45 यानी कि 45 साल की हूँ। And you shared a little bit with me. How long have you been following the teachings of Hinduism? Because my mom converted when I was about 10 years old, it was something that was always in the background in my house, although I was raised in a Christian or quasi-Christian household. But I've been following full-time. I joined a temple, a Hare Krishna temple, when I was 19. I'm 45 now, so do the math. It's been a while. Wow. Yeah. Wow. और सबसे बड़ी बात जो हम सबको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि इस अमेरिकन हिंदू महिला ने इनको मनुष्य के कर्मों के बारे में एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात ये बताई कि सनातन में कर्म के बारे में ये बताया गया है कि मनुष्य जैसा भी कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। और इन्होंने ये बात न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रूप में बताई, यानी कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक क्रिया की बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही कर्म का नियम है जो सनातन में बताया गया है। And when I look at Hinduism, the teachings of Hinduism, mm-hmm. there's a strong belief in reincarnation. Right. And then you have karma, right? Right. And karma can be both a good and a bad thing, right? Karma would best be described as for every action there is an opposite and equal reaction. Yeah. And और जब ये क्रिश्चियन इनसे ये कहने लगा कि हिंदू पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं कि क्या आपने भी फिर से जन्म लेने के लिए हिंदू धर्म अपनाया है, तो इस पर इस अमेरिकन हिंदू महिला ने ये कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पुनर्जन्म लेने के लिए नहीं बल्कि 84 लाख योनियों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने जन्म और मरण के इस अनंत काल से छुटकारा पाने के लिए यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही सनातन को अपनाया है। We would like to not be reincarnated because when we're here, it's just pain, suffering, birth, rebirth. It's like an endless cycle. Hypothetically, with reincarnation, you don't necessarily know when you'll get to go there, right? तो आप यहाँ से ये आसानी से समझ सकते हैं कि विदेशी लोग क्यों सनातन को अपना रहे हैं क्रिश्चियनिटी और अपने दूसरे मजहबों को छोड़कर। तो यहाँ पर उल्टा ये चाइनीज हिंदू सन्यासी और ये अमेरिकन हिंदू महिला ही इस क्रिश्चियंस को ही सनातन का गहरा पाठ पढ़ा देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।